रेलवे के शोभा आईटी की नाहली ने वजीर रेलवे शेख रशीद की काविशों पर पानी फेर दिया। ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के बाद भी आईटी का शोभा ऑनलाइन सर्विसेज बेहतर ना कर सका। ऑनलाइन टिकट सर्विस की खामियों के बायस मुसाफिर टिकटों को तरस गए। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे शोभा आईटी ने वाकिफ वजीर रेलवे शशीद अहमद की काविशों पर पानी है वो फेर दिया है। और 1 माह और 26 दिन से बंद ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के बाद भी महकमा रेलवे जो है वो मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने में तहाल नाकाम है वो दिखाई दे रहा है। और ऑनलाइन टिकटों की फराहमी के हवाले से मुसाफिरों को शदीद जो परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है, जिसके पेशे सर लाहौर से जाने वाली तमाम ट्रेनें जो हैं वो 60% मुसाफिर भी अपने साथ नहीं वो ले जा पा रही। आईटी डिपार्टमेंट की नाहली के बायस जो रेलवे को करोड़ों रुपये का नुकसान है वो उठाना पड़ा। और आज भी जो तकरीबन 8 घंटे तक जो रेलवे की वेबसाइट और मोबाइल ऐप है वहाँ पर लोगों को जो टिकटों के हसूल के लिए शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा, जिसके पेशे सर वाकिफ वजीर रेलवे शशीद अहमद से ऐलान किया गया कि लाहौर समेत मुल्क की 7 रेलवे डिवीजन के जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर जो रिजर्वेशन दफातर हैं काउंटर खुलेंगे ताकि मुसाफिर हैं वो बर वक्त टिकट भी वसूल कर सकें। और दूसरी तरफ जो रेलवे को होता करोड़ों रुपये का नुकसान है। ठीक है सईद अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।